सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जो कि सिर्फ हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज के लिए। इसका नाम है मेरोपेनम इंजेक्शन। जानेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कब इसका यूज लिया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड नेम क्या है, यूज को पूरी डिटेल में, डोज कितनी लगाई जाती है, किस रूट से इसको दिया जाता है, और वीडियो क्लास में जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मेरोपेनम इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्न आउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेरोपेनम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बीटा लैक्टम क्लास की दवा से बिलोंग करता है। यह जो मेडिसिन है आपको केवल और केवल इंजेक्शन फॉर्म में ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसकी कोई प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। साथ ही इस इंजेक्शन को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही हॉस्पिटल यूज़ के लिए बनाया गया है। यह जो मेरोपेनम इंजेक्शन है आपको उस समय लगाया जाता है जब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया हो, या जो ऑर्डिनरी रेगुलर यूज़ लेने वाले एंटीबायोटिक है उनसे ठीक नहीं हो रहा हो। मेरोपेनम इंजेक्शन आपको 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तथा 1 ग्राम की अलग अलग पैकिंग मिल जाता है। साथ ही जब इस इंजेक्शन को हम मार्केट से खरीदते हैं तो इसकी पैकिंग में हमें एक वायल मिलती है जिसमें मेरोपेनम पाउडर फॉर्म में रहता है। इसके अलावा एक डिस्टिल वाटर मिल सकता है, या किसी किसी इंजेक्शन में आपको 5% मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट मिलता है जिसमें इसको डिजोल्व किया जाता है। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या ब्रांड इसकी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे इसको मेडिकल स्टोर पर आप खरीद सकते हैं। तो इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है इसमें मेरोनेम इंजेक्शन, मेनेम इंजेक्शन, मेरोपेनिया इंजेक्शन तथा मेरोमैक इंजेक्शन। ये कुछ पॉपुलर मैंने 3 से 4 नाम बताए, और हो सकता है इसके अलावा दूसरे कोई ब्रांड नेम आपको मेरोपेनम के मिल जाए, लेकिन जो दवा का नाम रहेगा, जो जेनेरिक नाम रहेगा, वो मेरोपेनम ही रहेगा, और जो सभी ब्रांड से एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। दोस्तों ब्रांड नेम के बाद बढ़ते हैं इसके यूज़ की तरफ, क्या क्या इसके यूज़ लिया जाता है। जैसा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और यह जो मेडिसिन है आपको ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जा सकती है। और जो सामान्य से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या जो माइनर से इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरियल, उस समय ये मेरोपेनम इंजेक्शन नहीं दिया जाता, सिर्फ सीवियर इन्फेक्शन में ही ये दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी हो जाए, जिसे सामान्य भाषा में दिमाग की बुखार भी कहते हैं, इसमें मस्तिष्क में, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी स्वेलिंग आ जाती है, इस कारण से व्यक्ति को बुखार आना, सिरदर्द होना और गर्दन में अकड़न रहना, ये कुछ समस्या हो सकती है, और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, बहुत ही खराब स्थिति है पेशेंट की, तो उस समय यह मेरोपेनम इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है जिसको इंट्रा एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जो कि आपकी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टोमक कहीं पे भी हो सकता है, और वो सीवियर हो गया हो, तो उस समय में भी मेरोपेनम इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही निमोनिया जो बीमारी है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, जो लंग्स का इन्फेक्शन है, जब ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसको बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होने लग जाता है, तो उस समय मेरोपेनम इंजेक्शन व्यक्ति को लगाया जाता है। और इसके अलावा एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी है, जो कि स्किन की डिजीज़ है, उसमें स्किन पर हमें फफोला हो जाता है, ब्लिस्टर हो जाता है, उसके चारों ओर रेडनेस हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो फफोला है ब्लैक कलर का हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पेन करता है, जिस कारण व्यक्ति को फीवर भी हो सकता है, तो उस स्थिति को भी ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको सेप्सिस नाम की बीमारी हो गई है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें हमारी जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो इंज्यूर्ड होने लगता है, घाव उसमें होने लगता है, तो जिस कारण से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, तो इस स्थिति को भी ठीक करने के लिए मेरोपेनम इंजेक्शन यूज लिया जाता है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो किसी भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मेरोपेनम इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, और हॉस्पिटल इसका यूज लिया जाता है, इसके अलावा कहीं पे भी इसका यूज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यूज को जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके डोज की तरफ, इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो यह जो इंजेक्शन है आपको केवल और केवल आईवी इंट्रावीनस रूट से ही लगाया जाएगा, इसे आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं लगाया जाता। और आईवी जब भी लगाते हैं इसको बिल्कुल स्लो लगाना होता है, क्योंकि जब इसको फर्स्ट लगाया जाएगा तो व्यक्ति की जो वेन है वो पंचर हो जाएगी, स्किन पे रेडनेस हो सकता है, जलन उसको हो सकती है, तो इसे बिल्कुल स्लो लगाया जाएगा। और जब इसको स्लो लगाते हैं तो कई पेशेंट में इसको NS 100 ml में मिक्स करके भी लगाया जाता है, जिसको 15 से 20 मिनट में खत्म किया जाता है। इस इंजेक्शन को तैयार करने के लिए सबसे पहले इसको 5% मोनोबेसिक
पोटेशियम फॉस्फेट में मिक्स किया जाता है और उसके बाद में इसको इंजेक्ट किया जाता है, और कई बार यह अवेलेबल नहीं होने पर इसको डिस्टिल वाटर में 10 ml में डिजोल्व करके पेशेंट को लगाया जा सकता है। और इसकी अगर डोज की बात करें कितनी मात्रा में इसको लगाया जाता है, इसकी जो कॉमन डोज है वो 10 mg से लगाकर 40 mg दी जाती है प्रति किलोग्राम प्रति 8 आवर के ड्यूरेशन से। मतलब यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लग रहे हैं तो मैक्सिमम 8 घंटे में 2 ग्राम मेरोपेनाम लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। साथ ही यह जो इंजेक्शन है केवल और केवल जो ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है उनके द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि जब इंजेक्शन लगाया जाता है कई पेशेंट को सूट नहीं होता है तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं, कोई परेशानी हो सकती है व्यक्ति को, तो इसको सिर्फ हॉस्पिटल में और नर्सिंग ट्रेंड स्टाफ से ही लगाए जाए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी में स्टडीज में बिल्कुल सेफ बताया गया है, फीटस को और महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं करता। प्रेगनेंसी में यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सीवियर तो उसे इंजेक्शन लगाकर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों पूरी तरह से इसकी डोज और यूज़ को जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत ही हैवी इंजेक्शन है जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, तो नो डाउट इसकी यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। सबसे जो कॉमन यूज है उसमें रहेगा व्यक्ति को जो इंजेक्शन की साइट है वहाँ पर रेडनेस होना, जलन होना, दर्द होना, इचिंग होना, उसको रेसेस हो जाने, ये कुछ समस्या इंस्टेंट व्यक्ति को दिख जाएगी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कुछ हो सकती है, तो ये तो तुरंत आपको दिख जाती है। इसके अलावा कई साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो कि कुछ समय बाद में देखते हैं, जैसे कि हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायहोरिया होना, पेट में अपसेट सा लगना, और कई कई व्यक्तियों में अगर सीवियर साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सीजर मतलब दौरे भी उसको पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। यदि ये लगे या इसके अलावा कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको लगे तो इस इंजेक्शन को आप नहीं लगाएं, अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि कोई दूसरा इंजेक्शन आपको दिया जा सके और जो परेशानी आपको हुई है उससे उनको निजात दी जा सके। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने मेरोपेनिया में इंजेक्शन के बारे में बताई है, और ये विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा दोस्तों, यह इंजेक्शन केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज़ किया जाता है, इसको बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करें, और ये हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज़ के लिए घर पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले मैं देख पाए। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।